तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं, वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति से पास करा चुकी है, लागू करा चुकी है, उसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, निरस्त कर दिया है, और उसके खिलाफ राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से सुप्रीम कोर्ट में उस पर पुनर्याचिका, मतलब पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर चुकी है, वो दाखिल हो चुकी है, और हम लोग मुस्तैद हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया है, हम लोग उस आदेश को निरस्त करा दें जिससे गरीबों के हक में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो बिहार में लागू रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। विपक्ष के द्वारा आज आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, आज बिहार विधानसभा के अंदर हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर अब सदन की जो कार्रवाई है वो उसे स्थगित कर दिया गया है। और वहीं जब बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी बाहर निकले तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, जो आरक्षण का दायरा है वो हाईकोर्ट के द्वारा उसे स्टे लगा दिया गया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं विजय कुमार चौधरी। देखिए, आज जो भी सदन में हुआ वह सच पूछते हैं तो काफ़ी अशोभनीय है। अशोभनीय इस माने में है कि आज जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था, जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको लागू करो, कि विपक्ष तो स्वयं साक्षी है कि ये बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही जातीय गणना कराई गई, और उससे जो आंकड़े मिले उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, और आरक्षण की सीमा सिर्फ बढ़ाई नहीं गई, उसका ही बजावता अधिसूचना करके उसे लागू भी कर दिया गया। और उसी समय, जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई थी। तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं, वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति से पास करा चुकी है, लागू करा चुकी है, उसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, निरस्त कर दिया है, और उसके खिलाफ राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से सुप्रीम कोर्ट में उस पर पुनर्याचिका, मतलब पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर चुकी है, वो दाखिल हो चुकी है, और हम लोग मुस्तैद हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया है, हम लोग उस आदेश को निरस्त करा दें जिससे गरीबों के हक में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो बिहार में लागू रहे। वो हम लोग कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस जो हाई कोर्ट ने रोका है उसे रद्द कराने का काम हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आखिर ये क्या मांग रहे हैं? हमको लगता है जो मांगते हैं वो खुद समझते नहीं हैं जो क्या मांग रहे हैं। और हमें जो लगता है कि मुख्यमंत्री की पहल पर ये जातीय गणना और आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है, ये जो पूरे बिहार की जनता और ख़ास के गरीब वर्ग के लोग जो मुख्यमंत्री के प्रति, मैंने उनका रुझान बढ़ा है, उसे देखकर ये लोग फर्जी सहानुभूति लेने के लिए ये विधानसभा का समय जाया कर रहे हैं। जो वो लोग सोचते हैं, जो आज मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार ने पहले ही करके रखा है, तो चाहते क्या है? आप जरा उनसे पूछिएगा क्या चाहते हैं। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में है। तो आपने सुना, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम किए हैं उसके काम को वो अपने काम बता रहे हैं, और आरक्षण का जो दायरा 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं वो अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, लेकिन हम लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।